बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं तुहाडी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक तुहाडे सामने हाज़र हाँ। पंजाब की खूबसूरत धरती आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ सरसब्ज़ वादियाँ और ऐसा एक खूबसूरत नज़ारा जिहड़ा अखां नूं ठंडक दे नाल नाल एक खूबसूरत जिहा माहौल क्रिएट करदा वे। मैं समझनी हाँ कि खूबसूरती दे नाल नाल सकाफत नूं जिंदा रखण वाले लोगों वास्ते बहुत बेहतरीन एज है। असीं मौजूद हाँ आज़ाद कश्मीर के गाँव फकराल राजगान च, उस नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद ने राजा हाजी मुहम्मद सरवर खां उन्हां दा नाम है। आओ तुहाडी मुलाकात हाजी राजा मुहम्मद सरवर साहब नाल करवाने। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, माशाल्लाह। जनाब ने बहुत मेहरबानी मेरे डेरे ते तशरीफ लिया के आयो, वेलकम करना मैं तुसों की तुहाडे खानदान च अगर देखा जाए तो सकाफत का आगाज़ तुहाडे वालिद साहब ने किया, दादा ने किया, घोड़ियाँ रखना एक खूबसूरत ट्रेंड का आगाज़। इस ट्रेंड नूं घोड़ियां चेंज करने कितना टाइम लगा और किदों तुसी इनू चेंज किया और किस तरह इस खूबसूरत सकाफत का हिस्सा बने? ये तो इलाके बीच पहले सब तो घोड़ियों ने ट्रेंड से इधर घोड़ियाँ लोगों ने नेताबाजी भी घोड़ियों से हो रही थी, डांसर भी जड़े सन भी घोड़ियाँ ही सन, घोड़ियों को डांस वगैरह करवाने सन। उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता तो सब तो पहले जी नेताबाजी है मलिक ताम साहब की है तो उन्हें भी घोड़ी तो की है, उस बाद फिर घोड़े तो आए तो जो जो घोड़े ने ट्रेंड चलिया इधर भी लोग घोड़े तो आ गए। डांस तो नेताबाजी की खूबसूरत सकाफत मुड़ना किस तरह तुम्हें ख्याल आया और किस तरह डांसर तो डायरेक्ट नेज़ाबाजी की तरफ आए? मेरी एक्चुअल गेम जी डांसर ही सी, डांसर घोड़ी में रखने रहा, पहले घोड़ियाँ रखना रहा, बेशुमार कप लिया के आया, मेरी को घोड़ी सी तो बहुत विन करनी रही है तकरीबन 30-40 उस इवेंट लैन। उस तो बाद फिर घोड़िया तो मेरे कोई दोस्त जो सुनो नेज़ाबाजी की तरफ सुन, उन्हें कहा जी तुम इधर आओ ये बेहतरीन गेम है, उस नालों भी अच्छी है तो नेज़ाबाजी की तरफ आओ। खास करके सही नाजम हुसैन शाह सन मेरे दोस्त फौत हो गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ी काबिश थी है, उन्होंने छोटे भाई ने हैदर शाह साहब उन्हें भी किया, फिर मैं इधर नेताबाजी वाले पास आ गया। फिर पंजाब सुन मेरे को सवार आए खुशाब ने, जोराबाद ने, इधर झंग ने, वो फिर इधर दौड़ने रहे साढ़े ना रख है, उस घोड़े भी लिया कामने रहे। फिर इतने दो चार जड़े ने बड़े मैं खुद करवाए डांसर घोड़े ने, एक दफा बहुत बड़ा जड़ा है मैं मेला इतना करवाया, उस तो बाद जड़े ने नेताबाजी भी करवाई है तो पंजाब ने लोग भी मैं दब देने रहे उन्हें आमने रहे घोड़े आते तो बस इस तरह ही आसा आसा फिर दोस्तों ने मेरे तू चेंज कर लिया तो नेताबाजी की तरफ आ गया। जबरदस्त सब खुद भी मौका मिले नेताबाजी करने का और जिस तरह राजा कामरान साहब थोड़े बेटे जड़े ने माशाल्लाह शाह सवार भी ने खुद तो मैं इतना नहीं किया, कोई दो चार दफे किया खुद जहाँ क्योंकि मैं एजेंट हो गया नाल ही तो फिर मैं दिल्ली थोड़ी तकलीफ हो गई, दिल्ली तकलीफ होया भी 25 साल हो गए इसे ऑपरेशन हो गया, हम पिछले दिन कोई 2 साल हो गए इन्हें तो जो घोड़ सवार है ना ये बीमार हो जाने तो अलग बात है, खुदा की तरफ कम होना है, अच्छा जो शायद सवार हो बीमार नहीं होना, बेहतरीन अगर एक्सरसाइज है तो घोड़े सवार है, घोड़ा रखिया बड़ा स्वाब है, खुदा नहीं जात इसने सुमन की कसम खा दी है कि मुझे कसम है इसकी सुम्बू की जिसे चिंगारियां निकलती हैं। सुभान अल्लाह घोड़े ने बड़ा मकाम है, इसने झूठा पानी तुम वजू कर लो तो नमाज पढ़ लो इंसान पाक हो जाना, इस तुगा और के है जिया। सब तो यादगार मेला कोई ऐसा जड़ा तुम्हें याद हो? यादगार मेला सब तो बेहतरीन मेला, सब लड़ी का राजगा होना जी मंगला नाल है लड़ी का बेहतरीन मेला होना इतना पंजाब भी जैसे बड़े बड़े शहर सवार आने असन एरिए नवी ग्राउंड बड़ा बेहतरीन है, असानी इंतजामिया बड़ी अच्छी है इतने इंतजाम बड़ा प्यारा करने न, फिर असी लोग भी ताउन करने हैं, सब तो बेहतरीन ग्राउंड अगर है तो लहड़ी वाला असने तो वैसे डडियाल गए हैं, लहड़ी गए हैं, पिंबर गए हैं, जेलम गए हैं, पंजाब जोराबाद हो उतें गए, खुशाब गए, सुरगुद है, ये सारे जाने रहे हैं, लेकिन मैं समझना वो उधर भी तो अच्छे अच्छे ग्राउंड है, लेकिन ये सारा ग्राउंड जो है राजा कमरान साहब जड़े ने शाह सवार बने और ओवरसीज भी ने, उन्होंने इस शौक आले पासे लेके आने वाली तुसी शख्सियत सो उन्होंने उस्ताद कौन सन जिन्होंने नेज़ाबाजी सिखाई, क्योंकि भी एक ऐसा सीखने का मरहला होंगे तो काफ़ी चीज़ा लर्न करनिया पैनिया ने। उन्हें उस्ताद जड़े ने मेरा एक दोस्त है जोराबाद ने अख्तर हुसैन जज, जज उन्होंने कास्ट है, जज है नहीं जज कास्ट है अख्तर हुसैन जज करके बुलाने तो वो उस्ताद सी कमरान ने तो उसी उसकी इतने नेताबाजी सिखाई है, मेरे को रहा इतने घोड़े की भी ट्रेंड करना रहा, अच्छा अच्छा सवार है घोड़े तैयार करने वास्ते लादू कढ़ने वास्ते ओबियसली बड़ा एक एफर्ट की जरूरत होंगी, कितनी देर तक कैसे करना चाहिए वो पछाड़ी कितनी देर तक बननी चाहिए क्या रिलैक्स कितनी देर करना चाहिए, सब तो ज़्यादा खरकना करना रिलैक्सेशन करना कितनी हद तक जरूरी है?
ਖਰਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਰਖਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਵਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖਰਖਣਾ ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਵਾਓ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਵਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਵਾ ਘੋੜਾ, ਫਿਰ ਲਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਝਟਕੀ ਛਿਟਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਸਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਈਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਹੈਦਰੀ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕਲੱਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ? ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਰ ਹੀ ਦੌੜਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਦੋ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਦੌੜਾਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵੀ ਦੌੜਾਈਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਅਸਾਂ ਏਰੀਏ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੇਤਾਬਾਜੀ ਨੇ ਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰੋਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੰਜ ਛੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੰਗਲਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਹੈ, ਰਖਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੇਤਾਬਾਜੀ ਲੰਦਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਨੇਤਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਸਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਐਜ਼ ਏ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 85 ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, 85-86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਸ 'ਚੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜੈਸਣ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰਿਆ। ਮਜ਼ਰੂਬੀ ਫਾਰਮ SHO ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਰੂਬੀ ਫਾਰਮ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਸਾਂ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, 324 ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕਈ ਦਫ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਵਾਹਿਦ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ 5 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋੜੀ ਬਸਤੀ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਆਏ ਕਿ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਧਰ ਕੇਸ ਵਗੈਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀਮੈਨ ਸਾਂ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਲਰ, ਸੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੂਸੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਛੋਟਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੋਰਐਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਾਂ, ਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੂਰਪ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਰੂਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਲਿਆ ਸੋ ਮਾਰਸ਼ੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾ ਚੜ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਬਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਭੇਸ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਏ ਵਾਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਗਿਆ, 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਜਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ,
ਤੇ ਉਸ ਕੀ ਮੈਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਕਾਫਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਜਾ ਅਦਨਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਖੈਰੀਅਤ। ਰਜਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਖਾਜੀ ਰਾਜਾ ਸੋਭਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਆਗਾਜ਼, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ? ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਮੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੋੜੋਂ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਸੇ, ਕੁਛ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਸੇ, ਕੁਛ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਸੇ। ਹਮਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਮੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੋੜੋਂ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਕੋ ਔਰ ਬੜਾਇਆ ਜਾਏ, तो आप खुद तो ज़्यादातर ओवरसीज़ हैं, वहाँ रहते हैं, तो कैसे शौक पूरा होगा? जी, बस ये इसी वजह से घोड़े आपने हमारे नीचे देखे हैं जी, जी। तो एक स्मॉल क्वांटिटी में इतने को ज़्यादा नहीं है जी, जी। लेकिन सिर्फ ये बहुत हैं, शौक के लिए तो बहुत हैं। हम सारे भाई बाहर होते हैं, बल्कि पूरा ख़ानदान ही हमारा बाहर है जी, जी। तो साल में एक आध दफ़ा चक्कर लगता है इधर, तो बस इसी तरह ही चल रहा है। ना होने के बराबर तो नहीं है ना, मतलब एक आपके पास चीज़ ना हो आप उसकी ख्वाहिश करें, ऐसी कोई बात नहीं है। यूके में फेडरेशन बन गई है, मैं समझती हूँ सैयद हसनैन शाह साहब ने इसका मतारफ करवाना बड़ा जो है मतलब अच्छा है। वहाँ भी निज़ाबाजी काफ़ी फैल गई है, पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने, सब ने मिलकर एक बड़ी एफर्ट की है, कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो शो की बहुत अच्छा है। तो कभी दिल किया कि आप भी निज़ाबाजी करें? मैं, मुझे नेज़ाबाजी की आप शौक सच्ची पूछें तो शौक है भी है और नहीं भी है। मुझे शौक ज्यादा इस चीज़ का कि घोड़े हों, आराम से रहें, उनके ऊपर कोई इतना ये बर्डन ना हो, इतनी उनको तरदद ना हो, देख के बस दिल को सुकून आता है। क्या बात है, यानी कि आप एक सच्चे हॉर्स लवर। मैं कहता हूँ कि जी घोड़ा जो होता है ना वो औलाद की तरह है, और मुझे जो घोड़ा है, घोड़े जो है ये तो मुझे, मेरी भी औलाद है, बेटे हैं मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके जैसे उनको मैं देखता हूँ ना, इस तरह घोड़ों को देखता हूँ। इतना टाइम मैं अपनी औलाद को नहीं देता जितना घोड़ों को देता हूँ। तो सवारी करने का शौक है, सवारी की आदत आज वालिद साहब हैं, उनकी गेम है आगे मेलों में जाना, निज़ाबाजी करना, प्रमोट करना चीज़ को, कल्चर को आगे लेके चलना जी। तो जाहिर बात है हमें भी इस चीज़ का शौक है, लेकिन मैं कई बार ना मैं समझता हूँ कि वो जब हम मेले पे घोड़े लेके जाते हैं तो वो दो दो दिन तीन तीन दिन मेले होते हैं, तो अक्सर घोड़े भूखे रहते हैं, तो उनका वेट लूज होता है, बीमार भी होते हैं, थकन भी उनको होती है, किसी को घोड़े डैमेज भी हो जाते हैं। तो अगर आपने चीज़ इतने प्यार से रखी हो तो जानदार चीज़ है जी जी। तो अगर उसको कोई नुकसान हो या कोई प्लस माइनस हो तो फिर वो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात आपने की है जी। तो नाज़रीन, बात हम कर रहे थे राजा साहब के साथ और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू जारी है। राजा साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम जी, गोड़ों का ट्रीटमेंट, और आप ओवरसीज़ हैं और ऑब्वियसली यहाँ से गाइडनेस जो है इनको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, राजा साहब को बैकअप भी बड़ा अच्छा है, आप लोगों की सपोर्ट है, भाइयों की सपोर्ट है, अंकल्स की सपोर्ट है, अगर खुदा न हंसता कोई मिसअपन हो गोड़ों के साथ, खुदा न हंसता अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, तो क्या चीज़ें जो हैं आप वहाँ से प्रिस्क्राइब करते हैं या यहाँ ट्रीटमेंट होता है? जी, इधर हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर खुरम शाह साहब हैं खाड़ियाँ के जी, जी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जी, जी। तो काफ़ी समझ है उनको गोड़ों की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दो चार घोड़े नुकसान भी हुए हैं पहले, तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रख के ना, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि ज़रा इजी लिया जाए। तो आपने कभी को निज़ाबाजी के इवेंट को देखा है, गए हैं? बहुत दफ़ा गए हैं जी, बहुत दफ़ा पार्टिसिपेट किया है, देखे है, दौड़ाए नहीं हैं, लेकिन जाते हैं, जाहिर बात है घोड़े रखे हैं तो फिर जाना भी पड़ता है। कोई सवार जो आपको सब पर्सनली पसंद हो? सवार पर्सनली तो मुझे अभी वो बुज़ुर्ग हो गए हैं सूफी नज़ीर साहब, अच्छा, बहुत अच्छे सवार हैं, खुदा यार मेहंदी फोत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जिन्हें नसीब फरमाए, तो इस तरह के काफ़ी सवार हैं,
कईयों के नाम नहीं आते शब्बा शक्ल बाय फेस मैं उनको जानता हूँ, मुलाकात भी है, तो बस इसी तरह हम ज़्यादातर फिर वो क्या ना कि वो माइंड डिवाइडेड हो जाता है, आधा इधर आधा उधर, इधर होते हैं इधर की दुनिया पीछे उधर जाते हैं तो फिर उधर मसरूफ हो जाते हैं, तो वो डाइवर्शन हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात की आपने जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से टाइम की किल्लत की वजह से ऑब्वियसली हमने इस गुफ्तगू को क्लोज करना है, हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होने को जा रहा है, लेकिन राजा नंद साहब के साथ हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू जा रही है। एक्चुअली जी, उन्होंने कहा कि स्पेशली घोड़े जो हैं वो देखने के लिए हैं, उनकी केयर करने के लिए जब आप इवेंट्स पर लेके जाते हैं तो विद इन 2-3 डेज ऑब्वियसली उस तरह केयर तो नहीं होती, तो उनकी हेल्थ कॉन्शियस हैं, सेहत में कहते हैं थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है हार्स लवर होने का। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।